बॉलीवुड स्टार से लेकर क्रिकेट लेजेंड तक, आज की वीडियो में मैं जाने वाली हूँ इंडिया के हर फेमस सेलिब्रिटी के रेस्टोरेंट और देखना ये है कि किस सेलिब्रिटी का रेस्टोरेंट है सबसे बेस्ट। गाइस, हमारे आज की वीडियो का पहला सेलिब्रिटी रेस्टोरेंट है उस सेलिब्रिटी का जिसने पूरी दुनिया की लड़कियों को पागल बोल दिया। यार, ये लड़की पागल है, पागल है, पागल है, पागल है, इट्स योर बॉय बादशाह। तो हम आए हैं बादशाह भाई के ड्रैगन फ्लाई एक्सपीरियंस में। एक्सपीरियंस ही है ना, हम देखने वाले कि भाई कैसा खाना है, कैसा माहौल है। उनके तीन चार गाने बज रहे हैं, नहीं बज रहे हैं, बाहर तो बज नहीं रहे। लड़की पागल है, पागल है, पागल है, पागल है। दोस्त, ये भी तो है हमारे साथ। पहली बार जा रहा हूँ किसी रेस्टोरेंट में जो सेलिब्रिटी का है। तू तो बादशाह का फैन है? नहीं। तो हनी सिंह का है? नहीं। कितना गंदा आदमी है, उसी के रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर कह रहा है मैं उसका फैन नहीं हूँ, पर उसके रेस्टोरेंट का खाना खाने के लिए तैयार। हाँ, जैसे फ्री में ही खिला। भाई, ओए, मुझे क्या लगा कि बादशाह भाई का रेस्टोरेंट है तो बादशाह भाई का ही मुंह लगा रखा है यहाँ पे। कमेंट करके बताओ कि ये बादशाह भाई का मुंह लग रहा है या नहीं लग रहा है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। ज्यादा नहीं बोलूंगी, पता चले हम दोनों को गेट पे से ही भगा दे। वेलकम के लिए कोई है ही नहीं यार हमारे। व्हाट इज दिस बिहेवियर बादशाह भाई, व्हाट इज दिस, क्या चल रहा है? सनक हो गई है मेरे तो अब यार, आप मर्सी दे दो मुझे, यहाँ कोई बिठाओ यार रिसेप्शन पे। हेलो देयर भाई, ये तो खाली पड़ा है पूरा, यहाँ तो कोई भी नहीं है। बादशाह भाई का है? बादशाह भाई का पता कर लीजिए, सर बैठे हैं वहाँ पर। यहाँ के तो स्टाफ को ही नहीं पता कि ये बादशाह का है कि नहीं है। भाई, हम तीनों बादशाह भाई के रेस्टोरेंट में आकर बैठे हैं और उन्होंने हमें सबसे पहले बोला कि यार आपने यहाँ व्लॉग नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। देखो भाई, अगर हम व्लॉग नहीं कर सकते तो भाई हम रोटी नहीं खाएंगे, हम तो आई व्लॉग करने हैं और हम क्यों आते। और ये तो ढाबे पे भी खा लेते कहीं भी, राजमा चावल छोड़ के आए हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है यहाँ पे। क्या? बादशाह भाई के रेस्टोरेंट में उन्हीं का गाना नहीं चला। भैया सनी सिंह लगा दो। वो तेरे कुले 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 अंग चट्टी है, भगा देंगे यार। नहीं यार, भगा देंगे हमको। वी लव यू बादशाह भाई, गाने नहीं सुन पाते इसलिए खाना खाने आके आपके रेस्टोरेंट में। कैसा लग रहा है भाई? बहुत अच्छा लग रहा है, बट मेरा मन ये कह रहा है ना हमें यहाँ सब चलना चाहिए। खाना तो खा ले। यहाँ पे बादशाह भाई आते हैं? नहीं आते, आज तक नहीं आए एक बार भी। नहीं, आपको नहीं कर रहे, मेरे को कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बादशाह भाई का ना कुछ सीन हो गया है यहाँ, ठीक है, इस रेस्टोरेंट में। ना तो यहाँ कोई स्टाफ बादशाह की बात कर रहा है, ना ही कोई स्टाफ इंटरेस्टेड है बादशाह की बात करने में, और ना ही हमको रिकॉर्डिंग ऑन करने दे रहे हैं यार। देखो यार, मेरे पेट का सवाल है, कैमरा तो चलेगा। भाई, हमारा खाना यहाँ पर आ चुका है। हमने मंगाया कढ़ाई पनीर और तंदूरी रोटी, हमने दो ही चीज़ मंगाई है क्योंकि हमको यहाँ पे वाइब नहीं आ रही, तो हमने सोचा कि जल्दी से खाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। अगर सच बताऊँ ना, जेन्युइनली रिव्यू दूँ तो टेस्ट में प्याज बहुत अच्छी है, और मिर्ची जो आई है वो तो भाई बहुत टेस्टी है, हरी मिर्ची। नींबू में भी थोड़ा दमदार है। अब समझ में आया कि ये खाली क्यों है। भाई, बिल आया है 1300 रुपए। काश हम खाना खा के ये गाना गा पाते बादशाह भाई का, सब गजब सब गजब। पर जिस हिसाब का माहौल और खाना है ना, मतलब क्या गाने का मन कर रहा है। मर्सी मी, हमें माफ कर दो, हमें बख्श दो, चल बाहर छोले कुलचे खिलाती। चल गाइस, हमारे अगले सेलिब्रिटी वो है जो अपने क्रिकेट पिच पे चौको छक्कों के लिए जाने जाते हैं, जो अपनी एक इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए करोड़ों चार्ज करते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स है उनके, अभी भी नहीं पहचाना। क्या गुंडा बनेगा रे तू? अरे, जिनकी बीवी का नाम शर्मा है, विराट कोहली। ये इतना महंगा है, इतना महंगा है, देख रहे हो मेरा मुंह पे पसीने अभी से छूट रहे हैं। और काफी अच्छी हेलोवीन की सजावट करी हुई है, तो अभी अंदर चल के देखते हैं। कुछ हो चाहे ना हो, मैच चलता रहना चाहिए। मानना कि विराट जी आपका रेस्टोरेंट है, पर हर जगह अपना नाम लिखना ठीक है यार, कहीं कहीं अनुष्का का भी लिख दो यार, उसका भी थोड़ा फंड तो लगा ही होगा। लग्जरियस वाला फीलिंग आ रहा है हम लोगों को। देखो, मुझे तो आदत है, मैं तो ऐसी महंगी जगह पे जाती रहती हूँ, ये पहली बार आया है। भाई, टेबल पे परफ्यूम भी रखा हुआ है, ले भाई लगा ले।
ये इसलिए रखा है, जैसे मान लो कोई इतने महंगे रेस्टोरेंट में आए और उसके अंदर से गंदी बदबू आ रही है तो अच्छा थोड़ी लगेगा, यहाँ का एमबीएस सब खराब हो जाएगा। दोनों दोनों ये मेरे काम की चीज़ें। फिर भैया ये परफ्यूम है। अरे यार क्या कर दिया, बेइज्जती हो गई हमारी पहले घुसते। भैया यहाँ पे विराट कोहली आते हैं ओपनिंग के बाद दोबारा आए। हमें ये बता दो कि विराट कोहली जब यहाँ पर आते हैं तो क्या खाते हैं? मशरूम गुगली डिंसम बटर टॉप एवोकाडो। मेन्यू में लगा हुआ है, मेन्यू में लगा हुआ है। वैसे भी भैया ने जो बोला मुझे कुछ समझ नहीं आया। पानी की बोतल भी देख रहे हो, पानी की बोतल भी इनकी निक्कर पहन के आई है। 130 रुपए की पानी की बोतल है। बोतल की कच्ची का पैसा भी हमसे ही ले रहे हैं क्या? तो गाइज हमने यहाँ पे ना फूड मेन्यू खोल लिया है और यहाँ पे आ रहा है विराट्स फेवरेट। कोई है तो नहीं? विराट कोहली। 700 रुपए के मोमोज कौन खाता है भाई? जो तुम्हारा फेवरेट है ना वो देखो, क्या पता 100-150 रुपए में हो जाएगा। भाई अगर मैंने 3-4 डिशेज और मंगवा ली ना तो मेरे घर के कागज, धीरज के घर के कागज और ये ऋषभ के घर के कागज और विराट के घर के कागज खुद के भी इसमें चले जाएंगे पूरा। और यार मैं भी पी के देख लूँ इतना महंगा पानी कैसा लगता है। लगता है इस पानी में कुछ ना कुछ तो होगा। हाँ, तो घर से अलग होगा। हाँ। जो घर पे तू पीता है ना नाली का पानी। चीयर्स। लग रहा है 130 रुपए का है। लग तो रहा है, थोड़ा कुछ अलग स्वाद आ रहा है। क्या स्वाद आ रहा है? विराट के पसीने का स्वाद आ रहा है। खाना हमने मंगवाया, खुश भैया हो रहे हैं। ये है सैलेड, ये है मशरूम गुगली डिमसम्स और ये है हमारी कोल्ड कॉफी। भाई खाना दिखने में तो सुंदर लग रहा है। अरे मिलेगा मिलेगा, रुक जा। सुनो, एक ऋषभ का, एक तेरा और तीन मेरे, ठीक है? ये हिसाब किताब है यार। ये हिसाब थोड़ा अच्छा नहीं लगा, कुछ तो चेंज करो भाई। चम्मच भी ना डब्बे में आए हैं भाई। मजाक से हटके इतना टेस्टी सैलेड मैंने आज तक नहीं खाया भाई। कैसा लगा? पहली बार ऐसा लग रहा है कि पत्तों में भी स्वाद होता है भाई। बहुत टेस्टी है। अब मुझे पता चला ये मोमोज का रेट 700 रुपए क्यों है भाई। मुंह में जाते पता ही नहीं चला। मक्खन भाई, सलाद भी इतना बढ़िया और मोमोज तो बहुत ही टेस्टी है यार। अगर ये थोड़े सस्ते और होते ना तो हम और मंगा लेते, पर अभी के लिए इतना ही ठीक है। हमारा टोटल बिल आया यहाँ पर 1811 रुपए। सही है भाई, मज़ा आ गया। इस रेस्टोरेंट का खाना मुझे बहुत पसंद आया, ये तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी। और एक चीज़ और जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहती हूँ वो है नॉर्मल शैम्पू की जगह मामा अर्थ का अनियन शैम्पू। ये बालों को जड़ों से स्ट्रांग बनाता है और हेयर फॉल को 90% तक कम करता है। यार देखो, हेयर फॉल का तो आपको पता ही, आजकल सबकी प्रॉब्लम बन गया है और इसके सॉल्यूशन के लिए अनियन को बेस्ट माना जाता है। पर अनियन का जूस निकालने तो तुम बैठोगे नहीं, इसलिए मेरी तरह मामा अर्थ का अनियन शैम्पू ले लो, क्योंकि ये इंडिया का नंबर वन अनियन शैम्पू है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और मेरा कूपन कोड NISST2024 यूज करने पर तुम्हें 20% ऑफ भी मिल जाएगा। और गाइस जब भी आप मामा अर्थ से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो, आपके ऑर्डर को एक वेबसाइट से लिंक करके एक फ्री लगाते हो। और मामा अर्थ का एम है 2025 तक 1 मिलियन चीज लगाना। और मामा अर्थ के प्रोडक्ट आप सभी ई कॉम लाइक अमेज़न, नाइका, फ्लिपकार्ट के साथ साथ आपके नियर बाय स्टोर्स पे भी अवेलेबल है। तो कहीं भी दिखे कमेंट करके जरूर बताना। अब हम चलते हैं अपने अगले रेस्टोरेंट की तरफ। गाइस हमारे अगले सेलिब्रिटी जिनके रेस्टोरेंट में हम आए हैं उनकी फैन मैं तो इतनी बड़ी नहीं हूँ, पर मेरी मम्मी बहुत बड़ी फैन है इनकी। मेरी मम्मी उनकी फोटो अपने तकिए के नीचे रख कर सोती थी, उनकी फिल्में देख कर रोती थी, हंसती थी। तो अभी हम आए हैं गरम धरम। ये धर्मेंद्र का रेस्टोरेंट है। पिक्चर हम देखते हैं धर्मेंद्र जी। देख रहे हो, मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ रही, मेरी मम्मी ने धर्मेंद्र की हर फिल्म देखी। आज हम धर्मेंद्र जी के रेस्टोरेंट में जाने वाले हैं, यहाँ पर खाना खाने वाले हैं और आपको बताना है कि आपको उनका रेस्टोरेंट कैसा लगा और यहाँ का खाना कैसा लगा। ठीक है, देख रहे हो कितने सारे पोस्टर लगे हुए हैं। मेरी मम्मी धर्मेंद्र की फोटो को देख के ब्लश कर रही है। सोचा अगर धर्मेंद्र जी सामने खुद आ जाए तो मम्मी कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, खुश हो जाऊंगे मिल करके। ए रहा नहीं जाता। धर्मेंद्र से मिलना है या अमिताभ से मिलना है? धर्मेंद्र से मिलना है। अच्छा, धर्मेंद्र से मिलना है, शाहरुख खान से मिलना है? धर्मेंद्र जी से मिलना है। धर्मेंद्र से मिलना है, सलमान खान से मिलना है? नहीं, धर्मेंद्र जी से मिलना है। धर्मेंद्र से मिलना है, अक्षय कुमार से मिलना है? धर्मेंद्र जी से मिलना है। भाई इतने सारे ऑप्शन दे दिए, मेरी मम्मी ने अपनी लॉयल्टी नहीं बदली। अब तो मम्मी की बेटी धर्मेंद्र से पक्का मिलवा के रही होगी। अभी चलें अंदर। हाँ चलो।
भाई फुल बॉलीवुड वाइब है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है कि सिनेमा हॉल में आई हूँ। ऐसा मौका मिले तो बार बार आएंगे देखने के लिए। धर्मेंद्र का ट्रक भी लगा हुआ है यहाँ पे, आओ घुमा के लाऊं तुम्हें। मेरे साथ चलोगी या सिर्फ धर्मेंद्र के साथ ही जाके मान लोगी? हेमा मालिनी ने सुन ली ना ये सारी बातें तो आप तो गई। क्यों गई? बीवी है अगले की। क्या हेमा मालिनी वो भी? हाँ मुझे पता है। तो क्यों गई? डरो यार, शादी शुदा है वो। तो फिर क्या हुआ? वो तो मेरा फैन है। आप उसके फैन हो? वो आपका फैन है? मेरा ही है। अच्छा ये बताओ कितने बड़े फैन हो धर्मेंद्र के? बहुत बड़े। बहुत बड़े तो कम से कम उसकी फिल्म का एक डायलॉग बोल के तो दिखा दो। बसंती ये कुत्ते के सामने मत नाचना है। जिस हिसाब से ये डायलॉग मम्मी ने बोला है ना, बसंती अब नाच रही है, कुत्ते जा चुके हैं और कौन था वो? अरे यार गुंडा कौन था? गब्बर। दिल से लगता है भाई। मम्मी हाँ। ये वही स्कूटर है जो फिल्म में नहीं था? छू के देख लो, टोनी फिल्म का ही है। और साथी चलो बसंती, चलो बसंती। आज हम बैठ गए, दिल खुश हो गया। ये महिला आज तक अपनी औलाद से इतना खुश नहीं हुई, अपनी 5 बच्चों से इतना खुश नहीं हुई ये महिला, पर आज इस स्कूटर में बैठ के इतना खुश। मैं या धर्मेंद्र? धर्मेंद्र मैं जा रही हूँ। बाय गाइस, वीडियो को यहीं पे लाइक कर देना, सब्सक्राइब निशु तिवारी व्लॉग्स। खुद उतर जाओ अपने आप। सुमता सिनेमा हॉल भी होगा? हाँ, और सारे हीरो हीरोइन भी अभी कमरे से निकल के आएंगे। तो हमारा खाना यहाँ पर आ चुका है, हमने मंगवाया यहाँ पे आलू प्याज पराठा। जगह तो तुमको अच्छी लगी, अब खाना भी खा के बताओ कि खाना कैसा है। अच्छा बना है। मुझे बताना था, मेरी माता स्टाफ को बता रही है कि परोठे अच्छे बने हैं। उस टाइम तो मुझे लगा आपने बोल दिया क्योंकि वो खड़े थे। अब सच सच बताओ कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। चाय कैसी है? अच्छा है। अच्छा है। मम्मी व्हाइट मक्खन कैसा है? अच्छा है। प्याज कैसा है? अच्छा है। अच्छा है। हरी चटनी कैसी है? अच्छी है। अच्छा है। तो मतलब कुल मिला के गरम धरम अच्छा है। तो भाई हमारा बिल आ चुका है और हमारा बिल आया है 856 रुपए। सही है। मम्मी को पसंद आया तो मतलब पसंद आया। तो गाइस हमारा अगला सेलिब्रिटी रेस्टोरेंट उस सेलिब्रिटी है जो फूक मार के तूफान ला देता है, वाल मार के भूकंप, और थूकता है तो भाई बाढ़ आ जाती है। और मुझे नहीं लगता कि यार मुझे इससे ज्यादा हिंट देने की जरूरत है। तो आज हम आए हैं द ग्रेट कली ढाबा। ये है मेरा पड़ोसी आरुष और ये सच में ना खली सर का बहुत बड़ा फैन है, खास करके उनकी सोशल मीडिया रील्स का। तो आज ये मेरे साथ इस रेस्टोरेंट में जाने वाला है, खाना खाने वाला है और यही बताएगा कि क्या ये वर्थ इट है या नहीं है। Yes. खली सर ने अपने किसी भी पोस्टर में कपड़े नहीं पहने हुए। तो सही है ना? हर जगह खली खो गए ये, खो गए ये। खली सर को भी लेना है फोटो में? हाँ खली सर को भी लो। काश कोई मेरे साथ भी इतने अच्छे से फोटो लेता, कोई मेरा भी इतना कट्टर फैन होता। गाइस सब्सक्राइब करो, मेरे सब्सक्राइबर बढ़वाओ कि ताकि से लोग मेरे साथ भी ऐसे फोटो लें। बैठ जाओ। यहाँ पे तुम्हें आती सबसे अच्छा क्या लगा? खली सर का हर जगह फोटो लगे रहे। सॉरी मैंने गलत ले लिया थोड़ा सा ना दिमाग ने। वाइब तो यहाँ की अच्छी है और मतलब सिटिंग एरिया जो बना हुआ है वो भी काफी क्लासी लग रहा है। सोफे रिंग भी बड़ा सही है ना? हाँ, बीच में रिंग भी बहुत बड़ा है। अखाड़ा जो बना हुआ है भी बहुत सही लग रहा है। खाने में क्या लोगे खली सर या खाना? नहीं खाना ही लेंगे, ऑफ कोर्स खली सर को थोड़ी खाएंगे। भाई बना तो बढ़िया रखा पर यार ये पूरा ना खाली पड़ा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा आज खाली क्यों है। मैं भी पहली बार आया हूँ, मुझे क्या पता। इसे भी क्या पता। चाय का गिलास भी खली सर जैसा है बिल्कुल। ये चीयर्स। तो गाइस आरुष ने मंगवाए अपने लिए सैंडविच और धीरज खाएगा चौमिन। सैंडविच कैसा लगा? सैंडविच एक नंबर है अभी। और ये स्प्रिंग रोल? स्प्रिंग रोल भी सही है। चाय? चाय मस्त है। और चौमिन? सब मस्त है।
तेरे को क्या लगता है कि दिल्ली से इतनी दूर आना वर्थ इट है? नहीं है, खाना वर्थ इट है? खाना तो एकदम वर्थ इट है, बस एक ही प्लीज की कमी है, सर से नहीं मिलता। मैं बैठी हूँ ना, मेरे भी तो फॉलोअर्स है। लेकिन सर की बात अलग है। खाने का बिल आया है 1100 रुपए। बिल भरो चुपचाप, मैं रहूं जा। इसको मैं लेकर आई हूँ यहाँ। एक तो यहाँ ठुसवाया है खली के रेस्टोरेंट में, ऊपर से मुझे ताव दिखा के गया है। तो आपको कौन सा सेलिब्रिटी रेस्टोरेंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और भाई मुझे तो पर्सनली विराट कोहली वाला रेस्टोरेंट सबसे अच्छा लगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पे करवा देना पूरे 1 लाख लाइक। अगर 1 लाख लाइक हुए ना तो हम बॉम्बे जाएंगे और वहाँ पर जितने सारे सेलिब्रिटीज हैं उनके रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाएंगे। करवाओ 1 लाख लाइक और सब्सक्राइब करो।